तो भाई ये आया नया मॉडल स्कोडा में, बिल्कुल लेटेस्ट देख रहे हो आप। कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में, बढ़िया मॉडल है भाई। चलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाल रहे हैं और आप देख रहे होंगे कौन सी लोकेशन से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई अभी हमें नोएडा सेक्टर फाइव के पास है। ये देखो ये रहा एड्रेस भाई, और अभी हम खड़े हैं स्कोडा के सामने। तो भाई स्कोडा के सामने खड़े होने का रीज़न इज दिस, समझ सकते हो आप कि हम क्यों खड़े हैं स्कोडा के सामने भाई। सरप्राइज़ मैं बोलता था, सरप्राइज़ है। तो भाई वही सरप्राइज़ है, अभी हम आए हैं स्कोडा में। स्कोडा में था कुछ काम, हमें काम क्या है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चली जाएगा भाई, क्या काम है क्या काम नहीं है। भाई नई नई शर्ट पहनी है, बढ़िया वाला परफ्यूम लगाया है, आज अपनी मर्सिडीज़ खड़ी है भाई। यहाँ पे मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा प्यारा भाई। कल का जो वेदर था दैट वाज अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस, आज का जो वेदर है वो है करीबन 34 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी ज़्यादा राहत है, काफ़ी ज़्यादा राहत है। मतलब बाहर तो खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं बनता था भाई। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये गाड़ी देखो कितनी सुंदर लग रही है भाई। ये देखो, हैव अ लुक ऑन दिस कार। रेडी हो गए भैया? ये देखो। So guys, have a look. So भाई ये गाड़ी कौन सी, यानी कैसे कोई गैस कर सकता है कौन सी गाड़ी है? ब्रांड तो पता चल ही गया होगा आपको कौन सा ब्रांड है, पर गाड़ी का नाम कमेंट करके बताना भाई कौन सी है। उसके द बेस्ट पार्ट है जो क्वालिटी है ना, जैसे कि जो मारुति वगैरह में जो क्वालिटी आती है इस रेंज में, मतलब पर्टिकुलरली वी टॉकिंग अबाउट 18 लाख 20 लाख के अराउंड जो भी क्वालिटी आती है, वो जो होती है बड़ी ना हार्ड होती है चीज़। इसमें भी है बट वो फिनिश जो दे रखी है इसमें ना, वो महसूस नहीं होती है कि हाँ भाई इतनी ज़्यादा क्वालिटी बेकार है या कुछ भी है। ये देखो इसकी फिनिश बहुत प्यारी, मतलब मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल है भाई। ये दूर से देख रहे हैं तो वेलवेट टाइप लग रहा है, आई कैन डारा टाइप जो आता है, और पास से देखो तो ये प्लास्टिक ही है, नॉर्मल प्लास्टिक भाई। ये कुछ इसका ऑडोमीटर, हैव अ लुक, है ना प्यारा भाई। गाड़ी स्पेशियस भी है, सनरूफ भी मिल जाती है, गाड़ी बढ़िया है। गाड़ी का नाम कमेंट करो, द बेस्ट पार्ट इज ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई, एंड डीजल इसमें आता है नहीं, सो दिस इज पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो अब आप लोग भाई ये सोच रहे होंगे एम्बियंस लाइट भी, देखो जैसे मैंने गेट खोला है यहाँ पे आपको एम्बियंस लाइट मिल जाएगी देखने को। ये देखो भाई, सो आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं इस गाड़ी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्या है मतलब क्या है क्या रीज़न क्या है कि मैं आया स्पेशली स्कोडा और ये गाड़ी है, ये डिलीवरी नोट पर खड़ी है गाड़ी, तो मैं क्यों उसका भाई ब्लॉग बना रहा हूँ या कुछ भी है। तो भाई वो बताऊँगा आपको लास्ट में, बताऊँगा कि द मेन थिंग इज़ मतलब क्यों मैं इस गाड़ी का ब्लॉग बना रहा हूँ या क्या जो भी रीज़न है पक्का आपको बताऊंगा। जब तक जो भी अगर आप लोग कुछ गेस कर रहे हो या कोई भी गेसेस कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही हो आप कमेंट करके बताओ भाई कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो जब तक भाई हम गाड़ी के जितने भी नोट्स वगैरह हैं और जितनी भी गाड़ी की जानकारी है वो भैया से ले लेते हैं, तब तक थोड़ा जाके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वाला काम करते हैं, उसके बाद भाई फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई ये आया नया मॉडल स्कोडा में, बिल्कुल लेटेस्ट देख रहे हो आप। कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में, बढ़िया मॉडल है भाई, फुल ऑफ माइलेज, सुंदर सी गाड़ी भाई। हैव अ लुक, इंटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का, प्यारे प्यारे गेट भाई, प्यारा प्यारा इंटीरियर गाड़ी का, मतलब बढ़िया इंटीरियर देख रहे हो भाई, मज़ेदार गाड़ी है। बिना टायर के चलती है भाई, ये देखो। तो भाई मजाक से हट के बेसिकली दिस इज़ ये जो इन लोगों ने रखा है यहाँ पे, ये दिखाने के लिए रखा है कि गाड़ी में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है बॉडी में, एंड एक हर एक पर्टिकुलर पार्ट्स जो भी हैं गाड़ी के वो भाई इसमें विजिबल है। जैसे कि आप ये देखो, दो इसमें आयरन की शील्ड हो गए यहाँ पे, यहाँ पे रॉड जा रही है, हर एक चीज़ जो रेड वाला पार्ट है या ब्लैक वाला पार्ट है, सनरूफ के साथ में कितने भाई एरिया कवर हो रहा है, कैसे कवर हो रहा है,
कितनी मतलब स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो हर चीज़ इन लोगों ने बस शो करी है। रनिंग बोर्ड में देखो प्लेयर वगैरह यहाँ पे सीटिंग के नीचे भाई कैसे होता है, तो अलग अलग कलर उन्होंने यूज़ किए हैं दिखाने के लिए प्रॉपर भाई कि कितनी ज़्यादा गाड़ी के अंदर स्ट्रेंथ है। और हर एक पार्ट को मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पार्ट इन लोगों ने हिडन किया है, हर एक पार्ट विजिबल है। ये देखो भाई रॉड, ये भाई सनरूफ का बैक वाला पैनल, सनरूफ इसमें आती है सर यहीं तक भाई। ये सनरूफ का बैक पैनल पूरा, ये जो कवर होता है शीट के अकॉर्डिंग ऊपर से हमें ऐसा दिखता है, नीचे उसका ऐसा होता है भाई। संडे में डायलॉग तो सुना दो वो माँ वाला है संडी भाई, बाप के चेहरे पे मुस्कान आ गई, नहीं माँ के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आगे आगे तो बोलो, बाप के चेहरे पे मुस्कान आ गई, और दूसरा डायलॉग क्या था? जाओ जाओ, अरे मेरा बनाना जरूरी है, चलो मैं भी रखा। तो दूसरा डालो तो सुना दो, करो ना ना, खोल क्या कर दिया सत्याना से। जाना बनता भी था हमारा, तो फिर भाई की गाड़ी की डिलीवरी करवा के, एक्चुअली द थिंग इज़ मैं पूरा सिनेरियो बताता हूँ। कल भाई से मेरी बात हुई थी, भाई ने भी अर्जेंट बेसिस पे गाड़ी दी, तो भाई ने बोला कि आज हमें जाना है, करीबन 1 बजे गाड़ी की डिलीवरी है। तो भाई अभी आप टाइम देख रहे होंगे, 2 बज के हो रहे हैं भाई 5 मिनट, एंड गाड़ी की डिलीवरी करवा के हम निकल चुके हैं। तो हमारी सारी चीज़ें मतलब रेडी हो चुकी थी 1 बजे तक, हमारे कुछ और भाई लोग आ रहे थे, प्रिंस भाई वगैरह, संडी भाई वगैरह आ रहे थे, तो वो हो गए थे लेट, उनको आने में बच गए थे भाई करीबन 1:45 के अराउंड, जिसकी वजह से ना सारा स्केड्यूल मेरा ख़राब हो गया। सो द थिंग इज़ कि भाई मेरे को ना पहले 1 बजे वहाँ डिलीवरी लेनी थी, उसके बाद 1:30-1:40 तक घर पहुँचना था, मतलब कि नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा टू नोएडा, नोएडा टू दिल्ली, देन वापस आना मेरे को ग्रेटर नोएडा। तो भाई इस पूरे सिनेरियो में ना टाइम का जो स्केड्यूल था वो पूरा ख़राब हो गया वहाँ, क्योंकि 1 बजे की डिलीवरी थी, तो मेरा प्लान ये था 1:05-1:10 तक आराम से वहाँ से निकल जाएंगे एंड 1:40 तक घर पहुँच जाएंगे, बट जैसे कि भाई लोग ही लेट आए तो उस वजह से सारा का सारा स्केड्यूल भाई अपना ख़राब हो गया। अब बज रहे हैं 2:06, घर वालों से पट रही हैं गालियाँ कि मतलब भाई देखो ये बोला था सुबह से, ये वो ना हज़ार बातें सुनाते हैं भाई, बनता है वो तो खैर, क्योंकि उन्होंने भी कल से ही बोला था कि इतने बजे हमें यहाँ जाना है, हमारी मीटिंग स्केड्यूल्ड है, पर मेरी वजह से सारा लेट हो गया, मेरे आगे भाई लोगों की वजह से लेट हो गया,
बट कोई बात नहीं, जो सुनने को मिलनी थी वो सुन ली भाई। अब फटाफट जा रहे हैं घर। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई, एंड अभी जैसे कि कल मैंने गाड़ी में करवाए थे टायर चेंज अपने भाई मर्सिडीज़ के अंदर ही, तो और जो मैंने टायर चेंज करवाए थे भाई उसमें उन्होंने अभी नाइट्रोजन रिफिल नहीं करी थी, उन्होंने नॉर्मल ईयर रिफिल करी थी। तो अभी गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा है, अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 38.5, तो ना वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता नॉर्मल हवा में ना गाड़ी में भगाने में। नाइट्रोजन में बेनिफिट क्या होता है, गाड़ी के टायर रहते हैं ठंडे, और अभी एज यू ऑल्सो नो कि भाई रोड की जो कंडीशन होगी बिल्कुल तपरा होगा, रोड बिल्कुल गर्म कंडीशन में होगा, और उस कंडीशन में गाड़ी को ज़्यादा भगाना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो भाई इसलिए 100 से ऊपर जा भी नहीं रहा, एंड जाना भी नहीं चाहिए भाई, चलाओ गाड़ी। वो मैक्स टू मैक्स अगर ज़्यादा भी भगा लोगे 10 से 15 मिनट का फ़र्क आने वाला है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो चलो भाई, ज्ञान दे दिया बहुत, और बेसिक सी चीज़ बोलूँगा भाई आज ना सच में काफ़ी साल तो नहीं, जैसे अभी हमने थार ली थी रिसेंटली 2011 में सॉरी मैं 2022 में 11वें महीने में हमने थार ली थी, एंड मुझे समझ नहीं आया जैसे कि अभी स्कॉडा के भाई ने गाड़ी ली, इन गाड़ियों के अंदर वो बैटर ना अलग ही प्रेगनेंस आ रही थी गाड़ी के अंदर, तो कहते हैं ना न्यू गाड़ी वाली फ्रेगनेंस आती है, वो अलग ही फ्रेगनेंस आ रही थी। अब थार लेते वक्त मुझे कोई भी गाड़ी के अंदर भाई फ्रेगनेंस ना वो पता ही नहीं चली थी। अब आई डोंट नो भाई व्हाट इज़ द रीज़न, महिंद्रा वैसा है कुछ, आई गेस वो प्लास्टिक की शायद स्मेल प्रेगनेंस होती है, कुछ भी होता है, वो है नहीं महिंद्रा में या थार में नहीं है। एज यूजुअल वी नो कि थार भाई एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, या जो भी है वो थार में, मतलब थार की डिलीवरी भी बहुत गंदी थी। आई यू नो आई विल लिटरली कॉमेंट अबाउट डिलीवरी पार्ट थार का, थार की डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से दी थी भाई, मतलब इट वॉज लाइक आई वॉज स्टैंडिंग, माई फैमिली वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार, एंड जो कट वॉट टू से लाइक कर्टन कह लो या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं भाई, जो क्लोज होता है गाड़ी के ऊपर वो बस उन्होंने उठा दिया, टैप लैप किया भाई, हो गया डन डन डन, चाबी पकड़ाई चलो भाई। एंड यहाँ पे लाइक दे टोटली सेलिब्रेटेड, लाइक दे हैड अ केक कटिंग एंड एवरीथिंग, यहाँ पे पूरा टीम स्टाफ आया उनका, वो चीज़ महिंद्रा में मेरे को नहीं मिली थी। हाँ मर्सिडीज़ में जब हमने डिलीवरी ली थी, BMW की डिलीवरी ली थी भाई, वो तो खैर चलो ये सेगमेंट्स ही ऐसे हैं कि इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते ईजिली किसी भी कंपनी के साथ, दीज आर ब्रांड वैल्यू, दे हैव अ प्रॉपर ब्रांड, तो भाई इनमें अलग ही फील आती है। तो चलो भाई ज्ञान करते हैं ख़त्म, फिर फालतू की बात कर दी हमने बहुत ज़्यादा, तो अभी पहुँचते हैं घर हम, थोड़ा करते हैं स्पीड अप। यार स्पीड का पता ही नहीं चलता इन गाड़ियों में, मैं कह रहा था 100 से ऊपर नहीं जाऊँगा, 130 चल रही है गाड़ी भाई, गाड़ी कर लेते हैं स्लो डाउन, गाड़ी ज़्यादा भगानी नहीं है। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो भाई होगी बहुत ज़्यादा पसंद, तो भाई प्लीज़ लाइक करना, नई गाड़ी आई है भाई कमेंट करो, लाइक करो, प्यार बसाओ, एंड फिर भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई लव यू सो मच एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग भाई।